नमस्कार, हमारे YouTube चैनल वीके होम डिजाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं हूं इंजीनियर ब्रजेंद्र कुमार, आपके लिए नए नए प्लान और मकान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे कि मैं अपने YouTube चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना राय हमको जरूर दें। साथ में वीडियो को लाइक कर आप हमारा उत्साह वर्धन करें। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी न किसी की मदद हो सके। यदि आपको हमसे कोई प्लान बनवाना है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारा क्या प्रोसेस है आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। अब चलते हैं प्लान पर। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया है, आज का प्लॉट साइज 22 फीट गुणे 28 फीट पर है जिस पे हमने प्लान बनाया है। आइए इस प्लान का हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्लान के फ्रंट साइड में आ जाते हैं। फ्रंट साइड में बरामदा रखा गया है जिसका साइज 11 फीट 7 इंच गुड़े 6 फीट 9 इंच। बरामदा के ही साथ अटैच स्टेयर है राइट साइड में। इस मकान का मेन एंट्री बरामदा से ही है जो लॉबी कम डाइनिंग में खुलता है, जिसका साइज 10 फीट 1 इंच गुड़े 6 फीट 9 इंच है। लॉबी के लेफ्ट साइड में किचन रखा गया है जिसका साइज 6 फीट 9 इंच गुड़े 6 फीट है। लॉबी के राइट साइड में बाथरूम है जिसका साइज 4 फीट 6 इंच गुड़े 6 फीट 9 इंच है। अब हम आ जाते हैं प्लान के बैक साइड पे। इस प्लान में बैक साइड में दो बेडरूम रखे गए हैं। फर्स्ट में हम लेफ्ट साइड के बेडरूम का चर्चा कर लेते हैं जिसका साइज है 9 फुट 5 इंच गुड़े 13 फुट 5 इंच। अब हम राइट साइड के बेडरूम की बात कर लेते हैं जिसका साइज है 11 फुट 5 इंच गुड़े 9 फुट 1 इंच। इस बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम है जिसका साइज है 6 फुट गुड़े 4 फुट। अब हम आ जाते हैं पूरे मकान में वेंटिलेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में हम किचन का देख लेते हैं। किचन का वेंटिलेशन बरामदा की तरफ से दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है। लॉबी का वेंटिलेशन की बात कर लेते हैं। लॉबी कम डाइनिंग, इसका भी एक विंडो बरामदा से ही रखा गया है, बरामदा की तरफ ओपन हो रहा है जिससे इसका भी प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। अब हम बाथरूम की बात कर लेते हैं। लॉबी के राइट साइड वाले बाथरूम की बात कर लेते हैं। इसका वेंटिलेशन स्टेयर के लैंडिंग के पास रखा गया है। अब हम प्लान के बैक साइड में बेडरूम का वेंटिलेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले बेडरूम की बात कर लेते हैं। इस बेडरूम का वेंटिलेशन बैक साइड में एक OTS रखा गया जिसका साइज 5 फीट 1 इंच गुड़े 4 फीट है। इस OTS में एक विंडो लगाया गया है जिससे इसका प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। राइट साइड वाले बेडरूम की बात कर लेते हैं जिसका साइज 11 फीट 5 इंच इंटू 9 फीट 1 इंच। इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन बैक साइड के OTS में रखा गया है इसलिए इसमें भी वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम अटैच बाथरूम की बात कर लेते हैं जो इस बेडरूम के साथ है। इसका भी वेंटिलेशन OTS में रखा गया है। कुल मिलाकर पूरे मकान में प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, लेकिन आपको यदि और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक बिल्डिंग ले जानी है या और ऊपर तक ले जानी है तो आप इसी प्लान पर जितना आप चाहें उतना ले जा सकते हैं।